लॉकडाउन में कैसे है भदोही के नगर और बाजार, कहां हो रहा अनुपालन और कहां हो रही अनैतिक, पुलिस की शक्ति का क्या है असर, कोरोना से सूर्यावत तक का क्या है हाल, ज्ञानपुर में कैसे उड़ाई गई नियमों की धज्जियां, गोपीगंज नगर की ही देखिए तस्वीर, मोड़ से चौरी तक और ऊंच से औराई तक का क्या है हाल, बीएनएन टीवी पर रिपोर्टरों की लाइव पड़ताल, डीएम राजेंद्र प्रसाद और एसपी आरती सिंह सख्त, लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई का दिया निर्देश, सुनिए जिलाधिकारी ने लॉकडाउन टूटने पर क्या कहा। हम इस समय जंगीगंज बाजार के रुद्र तालाब परिसर से खड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा अनुपालन किया जा रहा है। किराना की दुकान है और ये बालिकाएं सुरक्षा घेरे में खड़ी हुई हैं, जहाँ से कम सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो पा रहा है। ये बड़ी तस्वीर है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल को लोगों से आह्वान किया है कि वो अपने घरों में दीपक जलाएं। और कल तक की जो स्थिति थी वो ये थी कि सोशल डिस्टेंस को दरकिनार किया जा रहा था, लॉकडाउन को भी तोड़ा जा रहा था। भदोही के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आज पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ भदोही जिला प्रशासन अब कड़ा कदम करने जा रहा है, उठाने जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो किया जा रहा है ये बहुत बड़ी चीज़ है और निकट भविष्य में इसी तरह से अनुपालन जनपद के अन्य स्थानों पर भी होना चाहिए। हम मौजूद हैं जंगीगंज बाजार में। ये भदोही जिले का प्रमुख बाजार है। आप देख रहे हैं राजमार्ग के दोनों लेन पे सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं। शाम का वक्त है, सूरज ढलने को आया है, अब कुछ लोग घरों से निकल रहे हैं, इक्का दुक्का वाहनों की भी आवाजाही हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां ये मुख्य बाजार में हमेशा चहलकदमी लोगों की होती थी, वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ख़ासतौर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल को घरों में जो दीप जलाने की बात लोगों को अपील के जरिए कही है, उसका भी खासा असर पड़ा है। कल तक जहां लोग लॉकडाउन की अवहेलना कर रहे थे पूरी तरह से, हालांकि जंगीगंज पुलिस चौकी प्रभारी पूरी तरह से मुस्तैद थे, फिर भी लॉकडाउन तोड़ा जा रहा था, लेकिन आज उसमें काफ़ी कुछ कमी आई है। इन तस्वीरों को देखकर आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ दीग विकास खंड के कोयरौना बाजार में। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। कोयरौना चौकी इंचार्ज और कोयरौना थाना इंचार्ज संजय राय ने अपने मातहतों को चप्पे चप्पे पर बिठा दिया है। यहाँ पे इस बाज़ार में पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस बाज़ार में कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा। कोयरौना खेदोपुर गांव के एक मस्जिद पर जहाँ प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का पूर्णतया रूप से पालन हो रहा है, यहाँ पे हमारे कोयरौना चौकी इंचार्ज मुस्तैदी से अपने ड्यूटी में मुस्तैद है। इस समय हम सूर्यावा थाना क्षेत्र के मौजूदा बाजार में हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बाजार में से भीड़ गायब है, सभी दुकानें बंद हैं, सिर्फ मेडिकल स्टोर व आवश्यक व क्रांगरी केंद्र यूनियन बैंक ही खुला है। लोग सड़क पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सूर्यावा पुलिस व पाली पुलिस हर समय अनुपालन करा रही है, सड़क पर चक्रमण कर रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बीएनएन भदोही से राजमणि पांडे। इस समय मैं ज्ञानपुर नगर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉकडाउन तोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है। ना तो डिस्टेंस बना पा रहे हैं और ना ही लॉकडाउन को लेके वो भयभीत है। देखिए इस समय ज्ञानपुर नगर का ये हाल, जहाँ हम फल वालों को भी देख सकते हैं, सब्जी वालों के पास भी हम गए थे और ज्ञानपुर दुर्गागंज की मोहानी पर हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग बेवजह मोटरसाइकिल साइकिल से
आना जाना लगाए हुए हैं और पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनकर बैठी है। ज्ञानपुर से मैं कपिल देव पांडे। मैं इस समय जिला मुख्यालय मार्ग स्थित गडरियापुर बाजार में, जहाँ व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन का भरपूर समर्थन किया जा रहा है और देखा जा रहा है, मात्र बैंकों के अधिकृत सेंटर और मेडिकल स्टोर के अलावा कुछ भी खुला हुआ नहीं दिख रहा है। कोई दवा के बहाने से, कोई इकट्ठा होकर जुट करके, कोई साइकिल से, कोई बाइक से, तरह तरह से इस रोड पे घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं पर सुबह शाम तो प्रशासन का यहाँ पे पिकेट लगा रहता है, लेकिन दोपहर में यहाँ पर कोई भी फोर्स उपलब्ध नहीं है। देखते हैं आइए किस तरीके से लोग आवाजाही किए हैं। जैसे लग रहा है लॉकडाउन का कोई भरपूर पालन नहीं हो रहा है, मिला जुला असर दिख रहा है। व्यापारियों द्वारा तो सहयोग मिल रहा है, लेकिन आने जाने वाले यात्रियों के द्वारा कोई भी सहयोग देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए बैन किया गया है, लेकिन प्रति जो एसेंशियल सामान लेके जा रहे हैं और कुछ के माध्यम से बहुत ही आवश्यक खुली है और बैंक जा रहे हैं वो इन्हीं वही लोग जा रहे हैं और सोशल मैसेज करने के निर्देश दिए गए कर रहे हैं और कम नहीं कर रहे हैं। लोग टेंडेंसी है लगातार रहने के बाद निकलने की, उसको कहा जा रहा है घर में ही रहे, बाहर निकलने के लिए क्यों वहाँ लेके जाते हैं, बैंक में जाते हैं, सोशल डिस्टेंस बना के